चलो क्लास लेट्स बिगिन। सो दिस इज योर फैकल्टी फॉर सीए इंटर ऑडिट एंड लॉ कुणाल मंधानिया एंड वी शैल स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5 आई गेस। सही है, ठीक है। सो एक बार हर दम की तरह हम पूरा रिवाइज करते हैं। सब लोग रेडी हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, वार्म अप कर लो, ठीक है। रिविजन करते हैं, अच्छे से हीटअप करते हैं कंसेप्ट को और फिर शुरू करते हैं। ओके, सो सर वी आर डीलिंग विथ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। आपको सिर्फ बता दूं, नॉलेज के लिए, इट इज अप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। वैसे आजकल एक्सेप्शन बचा ही का है, थैंक्स टू मोदी जी, बट इट इज अप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट। कम ऑन क्लास। नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रॉमिसरी नोट एंड नंबर 3 चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर टू पे, ये वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा लेना है। वो ऑर्डर देती है सामने वाले को कि मुझे पैसा पे करो, या तो मुझे पैसा पे करो या पे को पैसा पे करो। ये ऑर्डर देती है सामने वो पार्टी। ऑलराइट, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नंबर 2 इज प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे, ये वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा देना है। प्रॉमिसरी नोट बनाती है, साइन करती है और पे को दे देती है। इज इट क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, whereas promissory note do not require acceptance. अरे सही है क्या? नंबर 3 इज चेक, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे बहुत जल्दी। ओके, नाउ इन तीन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट किसको मिलेगा, पेमेंट किसको मिलेगा, उसमें इंस्ट्रूमेंट कैन बी बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेसिक क्लासिफिकेशन पॉइंट क्या है, क्या पेई का नाम स्पेसिफाइड है? अगर पेई का नाम स्पेसिफाइड है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और पे का नाम स्पेसिफाइड नहीं है तो सर फर्क क्या है? यहां पे फर्क क्या है, पेमेंट किसको मिलेगा? अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पैसा मिलेगा। बेयर इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा, हु बियर्स द इंस्ट्रूमेंट, उसको पैसा मिलेगा। बेयर में हमने और एक पॉइंट देखा था, या तो लिखा होना चाहिए बेयर, या लास्ट एंडोर्समेंट शुड बी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ब्लैंक जिसमें साइन किया पार्टी का नाम नहीं लिखा, याद है आपको? वैसे हम इंडोर्समेंट डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और भी ये पॉइंट समझेगा। ओके, आगे बढ़ू। ऑर्डर और बेरर में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ट्रांसफर कैसे करते, कुछ याद है क्या? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी है क्लास? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ओके, वेयर इज बेरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, परफेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैसा कम मिलेगा उसमें इंस्ट्रूमेंट कैन बी टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ओके, टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है इसमें टाइम स्पेसिफाइड होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होता है इसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। अरे क्लियर है क्या? ठीक है सर, टाइम इंस्ट्रूमेंट मच्योर कब होगा? कंप्लीशन ऑफ टाइम, हमने कल मच्योरिटी ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट देखा था, याद है आपको? ठीक है, और डिमांड इंस्ट्रूमेंट मच्योर कब होगा? जब हम डिमांड करेंगे। ओके परफेक्ट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं एट साइड और ऑन प्रेजेंटमेंट, परफेक्ट, एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं आफ्टर साइड। अब सर ऑर्डर बेरर टाइम डिमांड में हमने कुछ चीज देखी थी, जैसे प्रॉमिसरी नोट क्या नहीं हो सकता? बेरर नहीं हो सकता, बिकॉज बेरर प्रॉमिसरी नोट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई बना सकता। सर बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सिमिलर रूल है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी बेरर ऑन डिमांड, इट कैन बी बेरर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है क्या? और चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जब तक आप चेक डिमांड नहीं करोगे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स क्या फॉलो होगा, लोकेशन को लेकर इंस्ट्रूमेंट कैन बी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो है जहां 3 में से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और बचे हुए 2 में से 1 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में बनाना चाहिए, पेबल टू, पेबल इन इंडिया एंड पेबल टू इंडियन, इन दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो इनलैंड और फॉरेन में एक डिफरेंस है, याद है क्या आपको? बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें उनको प्रोटेस्टिंग करना कंपलसरी है,
याद है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट देना पड़ता है। हेलो, जबकि इनलाइन इंस्ट्रूमेंट में वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ऑल दो प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों भी प्रोटेस्टिंग करवाते हैं फॉर इजी प्रोसीजरल पार्ट, बट ये डिफरेंस है जो हमको याद रखना है। ओके, नाउ अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सर हम इनको हेट इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इनको हेट मत करो, भले ही वो इनकम्प्लीट है। सर इनकम्प्लीट में डेट इनकम्प्लीट रहा चलेगा, टाइम इनकम्प्लीट रहा चलेगा, ठीक है, अमाउंट इनकम्प्लीट रहा चलेगा, लेकिन तीन चीजें कोई भी हालत में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इन तीन चीजों में से एक भी कंप्लीट नहीं है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है। कौन कौन सा? नंबर वन SSD, ऐसे साइन होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए और डिलीवर होना चाहिए। ओके, अब साथ साथ कुछ तो भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में हमने क्वेश्चन कैसा देखा कि अगर जितना अमाउंट एक्चुअली ड्यू है उससे अगर ज्यादा का अमाउंट पार्टी लिख देती है और वो इंस्ट्रूमेंट किसके पास जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जितना अमाउंट उसमें लिखा है होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता है, सब्जेक्ट टू स्टैंप ड्यूटी पेड। अगर स्टैंप ड्यूटी जितने का पेड कवर कर रहा है उससे ज्यादा का अमाउंट इवन होल्डर इन ड्यू कोर्स भी रिकवर नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ू, ठीक है। फिर एमबीगस हमने देखा नहीं, वो हम आगे देखेंगे। कल हमने और एक इंस्ट्रूमेंट कवर किया, दैट इज अकोमोडेशन बिल। सर सर सर, अकोमोडेशन इज द अपोजिट ऑफ ट्रेड बिल, वेरी गुड। जहां जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बदले आपने इंस्ट्रूमेंट अगर दिया है दैट इज ट्रेड बिल। जहां जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक पार्टी को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया है दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल। सर जो अकोमोडेट करता है, जो वो एक्सेप्ट करता है बिल, उसे बोलते हैं अकोमोडेटिंग पार्टी। और ठीक है, जो जिसको जिस जो ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं अकोमोडेटेड पार्टी। यहां हमने सर तीन स्पेशल रूल्स देखे जो हमको याद रखने हैं। अगर अकोमोडेटेड पार्टी मैच्योरिटी तक इंस्ट्रूमेंट होल्ड भी करता है तो वो अकोमोडेटिंग पार्टी से एक भी पैसा रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज, नंबर वन। नंबर टू, भाई भले ही तुम्हारे पास कंसिडरेशन नहीं था, तुमने सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए दिया, इफ दैट इंस्ट्रूमेंट गोज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स अकोमोडेटिंग पार्टी से पैसा रिकवर कर सकता है, पक्का, ठीक है। थर्ड रूल हमने देखा कि अगर किसी पार्टी ने अकोमोडेटेड पार्टी से भी ले लिया, वो सेकंड वाली पार्टी से, हेलो, तो फिर अकोमोडेटेड पार्टी अकोमोडेटिंग पार्टी से पैसा रिकवर नहीं कर सकती। याद आया क्या आपको? हार्दिक से अगर रिकवर कर लिया तो हार्दिक बाद में राहुल से रिकवर नहीं कर सकता। एंड यहां पे हमने एक स्पेशल केस देखा क्लास, होल्डर फॉर वैल्यू। कुछ आ रहा है क्या? होल्डर फॉर वैल्यू वो है जिसने अकोमोडेशन बिल में वैल्यू दिया, कंसिडरेशन दिया। अगर उस पार्टी ने आफ्टर मैच्योरिटी भी इंस्ट्रूमेंट लिया है, इवन देन ही विल गेट ऑल द राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। परफेक्ट, वेरी क्लियर विद दिस। तो आज का अपना रिविजन सेशन कंप्लीट हुआ। देखो हम 5-7 मिनट रोज रिवाइज करेंगे, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली, ताकि आपको हमेशा याद रहे जिसे आपको याद होते जा रहा है साथ साथ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज प्रोमिसरी नोट। आप लोग सब हेडिंग दे दो प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4। अगर किसी ने हेडिंग नहीं दिया होगा तो हम डिटेल में देखेंगे प्रोमिसरी नोट। Shall we? अब दिख रहा है? परफेक्ट, चलो बहुत देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा बता दूंगा। सो सर हम बात कर रहे हैं प्रॉमिसरी नोट की, विच इज सेक्शन 4, विच यू कैन सी। वी ऑल नो प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे। ये वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा पे करना है, देना है, परफेक्ट। देखो अ प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट आपको पता है डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ही होता है। कंटेनिंग अ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इससे मैं आ रहा हूं पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे। एक बात समझ लो, आज तक जितने भी बार प्रॉमिसरी नोट पे एग्जाम में क्वेश्चन आया, इट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताओ कि ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, बट
कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको लिखा रहा हूं साथ साथ, जो आप जब भी रिवाइज करोगे अपने रजिस्टर से वो आपको दिख जाएगा। पहला पॉइंट है अनकंडीशनल, लिखो अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए परमिशन लोन। हाँ जी, हाँ जी, रूल से पता है। So, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास ये है कि प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कंडीशन नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज सेम लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। एज यू ऑल नो, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो राइट टू सी होता है, तो हमने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन नहीं होना चाहिए। याद है आपको ऑफर एक्सेप्टेंस में भी देखा था, इट शुड नॉट बी अनसर्टन। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर सर्टनटी नहीं होगी ठीक है तो आगे कोर्ट ऑफ लॉ में ठीक है प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेम वेज ठीक है यहां पे भी प्रोमिसरी नोट में अगर आप कंडीशन लगा लोगे ठीक है, तो पॉइंट उनका बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ में आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करते समय कंडीशन मत लगाओ, इट शुड बी अनकंडीशनल। ओके, सो पहला पॉइंट प्रोमिसरी नोट शुड बी अनकंडीशनल। ओके, ब्रैकेट में लिखो उसके, इफ देर इज कंडीशन इट शुड बी सर्टन टू हैपन, if there is condition it should be certain to happen। भाई एक तो condition होनी ही नहीं चाहिए, और अगर condition है तो ऐसी condition होना चाहिए which is certain to happen। okay, एक simple से example लेता हूं सब लोग मेरे साथ में। मैंने उसे बोला I promise to pay some of this much money If A marries B, पहला पॉइंट क्या मैंने कंडीशन लगा दी, अगर वो उससे शादी करेगा ठीक है तो मैं आपको पे करूंगा। नंबर टू, इज दिस कंडीशन सर्टन टू हैपन, भाई शादी वादी करने के ठीक है वैसे कंडीशंस चलती ही नहीं है, उससे भी शादी करने वाली कंडीशन तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो भी आज के जमाने में जहां इतने प्रॉमिस करते कि शादी करेंगे बट प्रॉमिस फुलफिल करते नहीं है। Is it clear? So it is not certain to happen। Number two, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैंने बोला I promise to pay you certain money on death of A, या 20 days after death of A। पहले तो मैंने condition लगा दी। My question is that condition certain to happen? एक बार समझ लो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मरना, ये नश्वर सत्य है जीवन का मरना। Is it clear? एक बताओ, जो आया है वो जाएगा, मरना सर्टन है, तो देखो कंडीशन लगाई बट कंडीशन इज सर्टन टू हैपन। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। अगर डेथ वेथ की बात किया तो ये श्योर है ठीक है कि इट इज सर्टन टू हैपन, तो ऐसे प्रोमिसरी नोट चलेंगे। नंबर टू, शादी वादी के वादे तो बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। So, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker. Sign कौन करता है? Maker of promissory note. Maker वो है who is liable to pay a certain sum of money. देखो next point क्या है? जो sum है वो certain होना चाहिए. ठीक है? लिखो next point. Sum should be certain. सम शुड बी सर्टन। मैं वही चीज लिखवा रहा हूं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आई प्रोमिस टू पे यू 5,000 और 7,000 डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इज दिस अ वैलिड प्रोमिसरी नोट? ठीक है, क्यों नहीं? बिकॉज सम सर्टन नहीं है। अगर लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे यू 1,000 प्लस 18% इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी डेट, तो यहां पे एग्जैक्टली मैच्योरिटी डेट कब होगी वो पता हो या ना हो, बट पहले से मेंशन किया हुआ है 18% पर एनम, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। समझ रहा है क्या? तो यहां तो सीधा से सर्टन होना चाहिए या एटलीस्ट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होना चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएंगे। तो वापस से बोलो, मैं नंबर वन अनकंडीशनल होना चाहिए, नंबर टू जो सम पे करने की बात कर रहे हैं वो सम सर्टन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, To the order of a certain person or the bearer of the instrument। देखो डेफिनेशन में बेरर लिखा हुआ है जनरली ठीक है, बट आगे जाके रूल आ चुका है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ही बेरर इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर सकती है। तो डेफिनेशन में बेरर लिखा हुआ है, इज इट क्लियर? बट उसके लिए साइड में रूल आ गया कि बेरर कौन इशू कर सकता है। प्रॉमिसरी नोट बेरर होते हैं, बट बेरर हम आम जनता इशू नहीं कर सकते ना। बेरर कौन इशू कर सकता है? आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आप लोग देख सकते हो, दिस इज अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। दिख रहा है आपको स्पेसिमेन? देखो, 3 months आफ्टर डेट। आप लैंग्वेज से समझ जाओगे क्लास कि ये कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 3 months आफ्टर डेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आई प्रोमिस टू पे, यानी प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, मोहन, मोहन, आई प्रोमिस टू पे मोहन। हाँ, तो ये ऐसा प्रोमिसरी नोट है जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट है। सही बोल रहा हूं मैं? द सम ऑफ 1000 रुपीज। देखो, ये सिग्नेचर हो गया राम का और स्टैंप ड्यूटी भी पेड हो गई। यानी आज से समझता है कि राम वॉज लाइबल टू पे मोहन शायद, तो राम इज द मेकर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट, और पे ही कौन है? मोहन पे ही है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, यू कैन सी देयर आर 2 parties, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मेकर एंड पे। क्लास क्लियर है क्या? ठीक है, मेकर एंड पे। रूल्स क्या है? देखो, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इससे मैं एक दो पॉइंट और निकाल रहा हूं। नंबर 1, राइटिंग में होना चाहिए ऑब्वियसली। नंबर 2, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना आपके इसमें, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशियंट। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशियंट। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशियंट। There should be express promise to pay. There should be express promise to pay. Mere acknowledgement of debt sufficient नहीं है, there should be express promise to pay. जैसे आपने एक promissory note बनाया और उसमें लिख दिया, Mr. A, I owe you 1 lakh rupees, मुझ पर उधारी है 1 lakh rupees की। इज दिस अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट? क्लास बाकी लोग क्या हो गया आज तुम लोग को? हेलो, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सैटरडे संडे, आज पूरी एनर्जी लगा के अच्छे से रिवाइज कर लो। इसलिए बाकी लोग को बोलता हूं अपने कैमरा शुरू कर दो, ताकि आप पे जबरदस्ती, ठीक है, ध्यान आ जाएगा। ओके, तो देखो, मैंने क्या बोला, आई ओव यू दिस मच मनी। प्रोमिसरी नोट में लिख दिया आई ओव यू दिस मच मनी। यहां कहीं भी प्रोमिस टू पे की बात की क्या मैंने? मैं अब सिर्फ डेट एक्नॉलेज कर रहा हूं कि आई ओव यू दिस मच मनी। मैंने कहीं प्रोमिस किया कि मैं पे करूंगा? तो क्लास ये नहीं चलेगा। रूल इज एक्सप्रेस प्रोमिस टू पे होना चाहिए। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट से काम नहीं चलेगा, एक्सप्रेस प्रोमिस टू पे होना चाहिए। ठीक है, फिर अनकंडीशनल प्रोमिस होना चाहिए, देख लिया अपन ने, साइन बाय मेकर देख लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। लिखो ये पॉइंट, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, बोलो बोलो जोर से। नहीं नहीं, मनी, मनी मींस लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया, यानी रुपीस। मनी वर्थ में गोल्ड और सिल्वर भी नहीं चलेगा, ठीक है, एफडी भी नहीं चलेगा। मनी मतलब लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से। मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा ही देने की बात होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, मिस्टर ए, आई प्रॉमिस टू गिव यू 5 lakh rupees प्लस माय कार। समझा क्या? यहां मैं प्रॉमिस टू पे क्या कर रहा हूं? सिर्फ मनी कर रहा हूं कि साथ में कार भी की बात कर रहा हूं? तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इंडिया में प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होनी चाहिए। कार के लिए आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना लो, जिसमें लिख लो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मैं एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूं 5 lakh rupees का, और एक कार दे रहा हूं, वो अलग इशू है। बट प्रॉमिसरी नोट में आपको सिर्फ पैसा ही पे करने का प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्लास जितने भी कंसेप्ट हमने पहले दिन से देखे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉमिसरी नोट पे आए हुए आज तक एग्जाम में। ओके, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डन, चलो। तो
प्रॉमिस टू पे मनी ओनली होना चाहिए, फिर पे ही सर्टन होना चाहिए, ऑफ कोर्स स्टैम्प ड्यूटी पे करना जरूरी है। आपको बताया था मैंने कि तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से एक में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। कौन सा? चेक। चेक ऐसे हम फाड़ कर देते हैं, कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करते नहीं है। ओके, बट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में आपको स्टैम्प ड्यूटी साथ साथ पे करनी पड़ेगी। ओके चलो तो शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए टारगेट है, टास्क है, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? जूम में एक ही प्रॉब्लम है, दिख रहा है कैसे आपको? चलो मैं करता हूं अप्रोप्रिएटली जूम, सॉल्व करना शुरू करो आप। हाँ एक सेकंड, अभी ओके चलो गो अहेड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस। चलो क्लास अज्यूम करते हैं सबका हो गया होगा, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए, हाँ बोलो वैलिड प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? यस आई गेस। बाकी सब लोग साथ साथ बोलो हेलो, सब लोग पार्टिसिपेट करो। आई टोल्ड यू यस्टरडे सबको पार्टिसिपेट करना है, अच्छा स्कोर करना है तो। ओके बी का आंसर दो मुझे। नहीं है? क्यों नहीं है? प्रॉमिस टू पे नहीं किया? हाँ तो क्या हुआ, डिमांड चलता है ना। प्रॉमिसरी नोट कैन बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई रूल है क्या? प्रॉमिसरी नोट डिमांड नहीं हो सकता? प्रॉमिस नहीं, नहीं नहीं, मैंने कहा रूल में बताया आपको कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट। हम डिमांड कभी भी कर सकते हैं, अलाउ है वो। तो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा था इट कैन नॉट बी बेरर ऑन डिमांड, क्योंकि वहां बेरर भी था और डिमांड भी था, दो इशू थे। ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कोई रूल नहीं देखा अपन ने। हेलो कोई डाउट है? कोई अपन ऐसा कोई रूल देखा ही नहीं ना, कोई इशू नहीं है। ओके तो देखो पहले पार्ट में लिखा है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, सिर्फ उतना लिखा होता तो हम बोलते कि नहीं भाई ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है बिकॉज एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे नहीं है। ओके बट सेकेंड पार्ट में लिखा गया टू बी पेड ऑन डिमांड, मतलब प्रॉमिस टू पे यहां पे उसने कर दिया है। प्रॉमिस वर्ड यूज नहीं किया बट टू बी पेड ऑन डिमांड मतलब बोला, मतलब प्रॉमिस तो कर ही रहा है पे करने का। ओके ठीक है, दिस इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। किसी को डाउट है फिर से पढ़ लो, किसी को डाउट है मुझे पूछो। नहीं नहीं बेटा, एक्नॉलेज माई सेल्फ में तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, वहां तक अगर लिखा होता तो सही नहीं होता। बट आगे लिखा है टू बी पेड ऑन डिमांड, मतलब प्रॉमिस टू पे तो है ना। एक्नॉलेजमेंट साथ में हो मैटर नहीं करता, बट प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, पे करने की बात होनी चाहिए। यहां पे करने की बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे सी में देखो, सी में सिर्फ एक्नॉलेज किया हुआ है, आई ओ यू दिखा क्या, सिर्फ एक्नॉलेज किया है। क्या प्रॉमिस टू पे है वहां पे? नहीं, तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्नॉलेज किया हुआ है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। ऊपर में एक्नॉलेज भी किया हुआ है, प्रॉमिस टू पे किया, हमको प्रॉमिस टू पे से मतलब है। एक्नॉलेज करे नहीं करे वो अलग इशू है, कहीं ना कहीं पे करने की बात कहनी चाहिए उसने प्रॉमिसरी नोट में, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके क्लैरिटी आ गई। चलो डी, आई एम लाइबल टू पे बी इन सम ऑफ रुपीज 5000 टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स, वैलिड है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? आपने कंडीशन लगा दी कि टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट पे करना इज कंडीशन। तो यहां पे लिखो नो और आगे लिखो बिकॉज इट इज कंडीशनल, ये शॉर्ट में लिख दो नो कंडीशनल। इंस्टॉलमेंट में पे करना इज अ वेरी बिग कंडीशन क्लास। सर्टन जो हैपन कैसे है बेटा, इंस्टॉलमेंट पे करने की गारंटी थोड़ी है, पे नहीं किया तो। और दूसरी बात नहीं नहीं नहीं, डेथ इज गारंटी, डेथ को छोड़ के बाकी कोई कंडीशन में गारंटी नहीं है, डेथ ही गारंटी है।
ई बताओ। हाँ जी बोलो। तो भी नहीं होता, तो भी अरेंज नहीं होता, क्योंकि आई एम लाइबल टू पे यू में मियर एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट है ना, प्रॉमिस टू पे नहीं है। हाँ अगर लिखा होता आई एम लाइबल टू पे, लाइबल टू बी इन सम ऑफ फाइनल, टू बी पेड, सिर्फ टू बी पेड तक लिखा होता तो वैलिड होता, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस टू पे आ गया ना, टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स, टू बी पेड ऑन डिमांड, ठीक है, टू बी पेड भी लिखा है तो ऑन डिमांड मान देंगे उसको, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट वर्ड जो है उससे कंडीशन आ गई, दैट्स इट। नहीं, यहाँ पे आपको अननेसेसरी याद करने की जरूरत ही नहीं, इससे तो इतने सारे एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना मैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक मास्टर क्वेश्चन देख लो, आपको खुद को क्लैरिटी आ जाएंगे, ठीक है। नोट करने जो चीज वही याद करो जो याद करने की जरूरत है। लैंग्वेज में तो कितना भी खेलेंगे, लॉ में हम कितनी चीजें नोट करेंगे, है ना, तो अपने को धीरे धीरे यूज होना पड़ेगा उस चीज से। हाँ जी ई बोलो, है कि नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ मियर एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट, नो प्रॉमिस टू पे, मियर एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। गुड, जितना पार्टिसिपेट करूंगे उतना मजा आएगा, उतना शॉर्ट होगा। अच्छा एफ बता दो, क्यों नहीं है? हाँ सम इज अनसेटल, ऑल अदर सम लिखा हुआ है 500 एंड ऑल अदर सम, तो ऑल अदर सम कितना, सम अनसर्टन हो गया यहां पे। इसे देखो इतने सारे कंडीशन में से ना आपको रजिस्टर में से कुछ ही कंडीशन लिखाई लगाई लिखाई जो आपको याद रखना है। आ गया जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 1000 इन द फाइन अकॉर्डिंग टू रूल्स, है कि नहीं है? नहीं है, आंसर है क्यों? देखो रूल्स तो सेम ही है ना बेटा, जो भी रूल्स, रूल्स मतलब एक्ट, एक्ट लॉ, कोई ना कोई लॉ होगा, ठीक है, तो लॉ में तो जो भी फाइन है उसका रेट फिक्स होगा ना, ठीक है, यानी इट इज केपेबल ऑफ बींग मेड सर्टन। ओके अगर वो बोलता कि फाइन एज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो फाइन का अमाउंट फिक्स नहीं होता, परसेंटेज फिक्स नहीं होता, पर यहां तो पहले से बोला है जो रूल में लिखा है वो फाइन, समझता मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो रूल में तो फाइन फिक्स ही लिखा है सबके लिए सेम ही है, दैट मीन्स इट इज केपेबल ऑफ बींग मेड सर्टन, ठीक है, तो आंसर इज येस, और वहां लिख दो बिकॉज फाइन फाइन एज पर रूल्स विल बी सेम और प्री डिटरमाइंड, बिकॉज फाइन एज पर रूल्स विल बी प्री डिटरमाइंड। हाँ जी क्लास एच एच, यस और नो? नो, क्यों बता रहा कैसे? फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच हिम है ओ मी, अब कितना पैसा ओ करता है, क्या करता है, क्या यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो सम सर्टन नहीं है ना, ठीक है, पैसा कि तुम जितना मुझे पैसा ओ करोगे उसे काट के बचा हुआ पैसा, अभी ओ कितना करोगे जिस समय मच्योर होगा क्या होगा हमें क्या पता, ठीक है, तो यहां पे कंडीशन लगा दिया आपने, यस नहीं, कंडीशन इज सम सर्टन नहीं है, सम सर्टन नहीं है, सम इज अनसर्टन, ये आई में जो मास्टरमाइंड लिखा है वो काट दो, वो जहां से मैंने क्वेश्चन कॉपी किया था उसका नाम लिखा है। ओके चलो, आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 बाय इंस्टॉलमेंट विद द प्रोविजन दैट नो पेमेंट शैल बी मेड आफ्टर माई डेथ। बोलो बोलो, वैलिड है कि नहीं है? नहीं, दो बातें, पहली बात तो इंस्टॉलमेंट दे दिया है, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना आई प्रोमिस टू पे दिस मच मनी इफ दिस पर्सन डाइज या ऑन डेथ ऑफ दिस पर्सन, समझता, उसमें से कंडीशन क्या लगा दी, एक तो इंस्टॉलमेंट में, दूसरा वो भी इंस्टॉलमेंट कब तक पे होगा, जब डेथ होंगी, अरे भाई तो डेथ कब होगी,
ठीक है, पहले होगी बात होगी, इंस्टॉलमेंट का पीरियड खत्म होगा नहीं होगा, ठीक है, तो दिस इज नॉट, डेट देख के ऐसा आग बन करके नहीं बोलना कि वैलिड है, ओके, दिमाग लगाना कि क्या कंडीशन है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं उसके पीछे, ओके, तो नो बिकॉज इट इज कंडीशनल. चलेगा, तो कंडीशन लगा दी ना, डेथ के बाद पेमेंट नहीं होगा. टाइम डेथ नहीं दिया है, ठीक है, इसके डेथ पे नहीं दिया हुआ है, ये कंडीशन होती है. दिया क्या है, इंस्टॉलमेंट पे होंगी कब तक, डेथ तक. अब मुझे बताओ डेथ तक, डेथ कब होगी पता है क्या, नहीं. तो इंस्टॉलमेंट कितनी पे होंगी कितनी पे नहीं होंगी, तो सम भी सर्टन नहीं है, सम भी सर्टन नहीं है, नंबर वन. नंबर टू, कंडीशन में लगा ली कि इंस्टॉलमेंट पे होगी टिल डेथ, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. हाँ जी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है, एक्चुअली इंस्टॉलमेंट पे कब तक करेंगे, यानी अमाउंट अनसर्टन हो गया. कंडीशन में लगा दी कि इंस्टॉलमेंट पे करूंगा डेथ तक, जे तो सिमिलर क्वेश्चन है ना, एच समान है, नहीं है, नो. अच्छा के देखो, हाँ, When convenient or able to, and if you are not able to, हाँ, मेयर विल वाला हो गया, नहीं है, वैलिड नहीं है. क्यों? अगेन उसने कंडीशन लगा दी, अगर कन्वीनियंट हुआ और मैं एबल हुआ तो, और तू एबल नहीं हुआ तो हम तो डिसेबल हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए. ओके, दैट इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट, आई प्रोमिस टू पे रुपीज 500 व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स. अगेन देखो कंडीशन लगा दे, गुड्स की डिलीवरी की कंडीशन लगा दी, अनकंडीशनल होना चाहिए. एल में गुड्स की डिलीवरी की कंडीशन लगा देना, कंडीशन लगाओ ही मत, हमारा ये बोलना है. एम से आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 सेवन डेज आफ्टर माई मैरिज विथ सी. शादी वादी पे भरोसा करना नहीं, ऐसे कई लोग शादी का वादा करते हैं और सी बना के चले जाते हैं. ओके, जिसने एन सही कर दिया ना, मान जाऊंगा उनको. चैलेंज, यस और नो? अगर ये क्वेश्चन ना यहां तक होता. कोई नहीं कोई नहीं, देखो यहां तक होता ना, ऑन डीज डेथ तो समझता, ठीक है, डी की डेथ पे है तो डी की कभी ना कभी डेथ तो होंगी, पैसा तो मिल ही जाएगा. लेकिन कंडीशन क्या लगाया, प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ मनी टू पे. अब ये टेंशन वाली बात हो गई, सर्टन मरना है बट मरने के बाद में स्पेसिफाइड अमाउंट वो छोड़ के जाएगा या छोड़ के नहीं जाएगा, ये सर्टन नहीं है. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. गुड गुड, ये मैं नो. ओ, I promise to pay rupees 500 and to deliver to him my black horse. नहीं है ना, ठीक है. क्यों? Promise to pay money only, only. हाँ, money only. Legal tender money नहीं. Money लिखोगे ना आप, तो it is deemed क्यों legal tender money of India. Okay? Money only. Promise to pay money only. P P P. हाँ, again. 200 एंड 1 क्विंटल ऑफ पैडी राइस जो भी होगा, ठीक है, तो मनी ओनली होना चाहिए. क्यू 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 प्रॉमिस टू बाय मनी ओनली. हाँ जी, आर यानी बाकी जगह तो भी इज्जत किया कि पैसे के साथ में वो डाला, यहां तो सीधा वो ही डाल दिया, पैसा तो कहीं मेंशन ही नहीं है. ओके, दिस इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट. ओके, और भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन मैं उसको असाइनमेंट में देने वाला हूं आपको. दिख रहा है आपको 13 से? और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूं उसको. ओके, क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो आप लोग सब लोग? तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉमिसरी नोट. आई फील इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, एक एक बार आप उस टाइप के क्वेश्चन को डील कर लोगे, आई गारंटी यू 200% इस टाइप में से कोई भी टाइप चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर है, एक दो असाइनमेंट में कवर हो जाएंगे और. ओके, परफेक्ट, आगे बढ़ू. सो This was all about promissory note. Section 4. Section 4. Okay? ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दो, promissory note जो आपने शॉर्ट में लिखा होगा.
हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ पे पे बी और ऑर्डर। हाँ हाँ क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या है? नहीं, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड डे भी एक्सप्लेन किया था, आप पार्टी का नाम लिखो या और ऑर्डर लिखो। और ऑर्डर का मतलब बी ने जिसको एंडोर्स किया उसको, वो अलाउ हो, तो बेसिक रूल है। ओके, बी और ऑर्डर लिखा, आई प्रॉमिस टू पे बी लिखो या बी और ऑर्डर लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और ऑर्डर मतलब बी अगर किसी को एंडोर्स करेगा तो उसको एंडोर्समेंट तो बेसिकली अलाउ है ना, ये कंडीशन नहीं है, ये तो बेसिक है। अच्छा, नहीं, बी और ऑर्डर याद रखना, जहां भी एक पार्टी का नाम लिखा है और ऑर्डर नहीं भी लिखा है तो हम समझ जाना कि वो और ऑर्डर ही है, क्योंकि अगर बी को दूंगा और बी किसी को एंडोर्स करूंगा तो उसको भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो वो और ऑर्डर बेसिकली आ जाता है। ओके वेलकम। हाँ चलो, तो एक और नोट लिख दो, मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स लाइबिलिटी इज, क्योंकि इसमें एमसीक्यू आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। आपके नोट्स में भी दिया हुआ है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। हाँ पॉइंट में, प्रॉमिसरी नोट के किसी पॉइंट में लिख, कहीं भी लिख, नोट में लिख दो, नोट में लिख दो चलेगा। प्रॉमिसरी नोट के जो मेकर होता है उसकी लायबिलिटी होती है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। या मैं क्वेश्चन से समझा देता हूँ, ठीक है? चार्ट दिख रहा है, ए ने प्रॉमिसरी नोट बना के दिया बी को, नहीं क्यों? स्क्रीन ब्लर ब्लर है, आर यू श्योर? ए ने दिया बी को, ये क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये ए और बी दिख रहा है ना आपको क्लियरली? ओके, क्योंकि मुझे स्टूडियो रिकॉर्डिंग में परफेक्ट दिख रहा है। ओके चलो, ए ने दिया बी को प्रॉमिसरी नोट, मुझे बताओ मैच्योरिटी में बी किसके पास जाएगा पैसा लेने के लिए? ए के पास। बी ने अगर सी को एंडोर्स किया, मैच्योरिटी में पैसा लेने सी किसके पास जाएगा? ए के पास। पक्का? उसने डी को एंडोर्स किया, मैच्योरिटी में डी किसके पास जाएगा? और अगर डी सी के पास भी आता है तो सी बी के पास जाएगा, अल्टीमेटली बी ए के पास ही आएगा। मतलब प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? ए की है, जिसने बनाया, ठीक है? एक तो प्राइमरी है, दूसरी अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल क्यों है भाई? तूने प्रॉमिस नोट बनाया, तुझे पैसा पे करना ही है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है ना, यू हैव टू पे दिस मनी। ओके, वाइस वर्सा। नाउ आई एम कमिंग टू अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हाट अबाउट बीस लाइबिलिटी? ही इज नॉट द मेकर ऑफ प्रॉमिस नोट, ही इज पे ऑफ प्रॉमिस नोट। बताऊ, एक तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी क्यों है? हाँ, यानी प्राइमरी एक ही है इसलिए इसकी सेकेंडरी है। और इधर इतना मैं क्या बोलूं, कंडीशनल है। अब आपका आंसर आएगा, कंडीशनल क्यों है? ए ने नहीं दिया तो मेरे पास आना। तो क्या होता है, जब बी सी को एंडोर्स कर रहा है तो बोलता है भाई कि जा तो तू ए के पास, बट ए ने नहीं दिया तो मैं गारंटर हूं मेरे पास आना। ए ने नहीं दिया तो, यानी कंडीशन लग गए। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट लॉजिक समझ लेना, इस पे बिल ऑफ एक्शन अपन देखेंगे, ठीक है? वैसा सिमिलर पॉइंट। तो हमेशा जो पार्टी प्राइमरीली लाइबल होता है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी तो होती है और अनकंडीशनल होती है। ओके, सेम वेज बिल ऑफ एक्सचेंज में भी देखो, ए ने प्रॉमिस टू पे किया तो ए यहां पे क्या है? डेटर है। समझ रहा क्या? तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा इधर? नहीं, ए तो प्रॉमिसरी नोट पे बी ड्रॉ करेगा।
तो पॉइंट देखो, बी ने दिया ए को बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया वापस उसने बी को, समझदा मैं क्या बोल रहा हूं? तो अल्टीमेटली पैसा किससे लिया जाएगा? ए से, बाबा ए से लिया जाएगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज आप जिसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो ए की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? प्राइमरी और एंड अनकंडीशनल। भाई तुझको तो पैसा पे करना ही है ना, तुझे गुड्स मिला होगा, कुछ तो लाइबिलिटी होंगी तेरे ऊपर, तभी तू तेरे को बिल ऑफ एक्शन एक्सेप्ट करके दे रहा है, समझा क्या? बट बी की लाइबिलिटी क्या होगी? सेकेंडरी। और कंडीशनल की अनकंडीशनल? कंडीशनल। कंडीशन क्या है? अगर ए नहीं दिया तो मेरे पास आना। लॉजिक समझा, बेस समझा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, बताओ उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल, प्राइमरी अनकंडीशनल, सेकेंडरी एंड अनकंडीशनल, ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वो भी लिखवा दिया। ओके डन। सो वी आर डन विद प्रॉमिसरी नोट। थोड़ा टाइम बचा हुआ है, उसमें हम कंप्लीट करते हैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज। एकदम सिंपल है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं जो एमसीक्यू में आ सकता है, क्विक रिविजन वाली चीजें। नोट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है अपने, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं सारे चार्ट्स ड्रॉ करके दूंगा आपको, सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट्स में एक बार लिखवा दूंगा आपके रजिस्टर में। सो प्रॉमिसरी नोट वॉज सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेक्शन 5। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखो पहला पॉइंट, ऑल रूल्स सेम लाइक प्रॉमिसरी नोट, यानी वो अनकंडीशनल होना चाहिए, पे सर्टन होना चाहिए, अमाउंट सर्टन होना चाहिए, मनी एंड मनी ओनली, सारे जो बेसिक रूल्स है ना, अभी शॉर्ट में लिख दो, अपने नोट में शॉर्ट में लिखना, पूरा मत लिखो, उसके लिए नोट है, शॉर्ट में लिखो, ऑल रूल्स सेम लाइक प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट इट इज अ ऑर्डर टू पे। Except it is an order to pay. जब मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कितनी पार्टीज होती है? तीन, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर और पे सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, याद है आपको? पक्का 100%? तो मुझे बताओ कि ड्रॉअर ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉअर, ड्रॉई और पे में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी? ड्रॉई की, जिसके ऊपर आपने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्शन। ये देखो लिखा हुआ है, ड्रॉई की लाइबिलिटी क्या दिख रहा है आपको? प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, 100%। और जिसने बिल ऑफ एक्शन ड्रॉ किया है, ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या होंगी? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। इसमें एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, डोंट वरी 100%, मैं आपको इसको बाद में डिस्कस करूंगा, इसके पीछे एक लॉजिक है। इतना भारी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा और कंफर्टेबल होना पड़ेगा इस कंसेप्ट से। उसमें लिखा है, हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल अंटिल द बिल इज एक्सेप्टेड। एक काम करो, चलो बता देता हूं, थोड़ा सहन करने की शक्ति रखना अपने पास, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो पहले सेंटेंस पढ़ो, फिर सब लोग ड्रॉअर का सेकेंड और थर्ड सेंटेंस दोनों साथ में पढ़ो, दिख रहा है आपको? अले ले ले, ठीक है। देखो हिज लाइबिलिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, फिर लिखा है हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड कंडीशनल अंटिल द बिल इज एक्सेप्टेड। आप बोलोगे ड्रॉअर की लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल तब जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आप बोलोगे ड्रॉअर ने तो ड्रॉई को दिया, ड्रॉअर ने ड्रॉई को दिया, इस बीच में कोई और पार्टी तो आई नहीं, तो प्राइमरी और कंडीशनल कहां से आ गया? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे उसने एक्सेप्ट करके दे दिया ड्रॉअर को, ड्रॉअर ने एंडोर्स कर दिया किसी और को, उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है और कंडीशनल है, ये अपन को समझ गया था इसके पहले भी। ये प्राइमरी एंड कंडीशनल क्या लिखा हुआ है? अंटिल द बिल इज एक्सेप्टेड, मतलब अगर मैं इसको हाँ क्लिक हो रहा है, इम्पॉसिबल इमेज, एक्शन देखो, ए इज लाइबल टू, देखो ए इज लाइबल, दिख रहा है ये, टू पे बी, आराम से देखना,
ए इज लाइबल टू पे बी, परफेक्ट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? बी बनाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। बी बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज ए के नाम पे, और ए उसे एक्सेप्ट करके वापस दे देगा किसको? बी को। अब जैसे ही ए ने एक्सेप्ट करके बी को दे दिया, तो यहां पे हु इज प्राइमरी लाइबल? 100% ए, और अनकंडीशनल लाइबिलिटी। सेकेंडरी लाइबल कौन है? बी जब लोगों को एंडोर्स करेगा, सी को करेगा, तो सेकेंडरी लाइबिलिटी, क्योंकि सी बात ए के पास जाएगा, ए ने नहीं दिया तो बी के पास जाएगा। बाबा समझ रहा है क्या? आराम से। उसने क्या बोला? बी की लाइबिलिटी प्राइमरी होगी, बी की लाइबिलिटी प्राइमरी होगी और कंडीशनल होगी जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आप बोलोगे जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता, बी और ए तो है मुद्दे में, तीसरा तो पार्टी है नहीं, तो प्राइमरी कहां से होगी? यस, क्या वापस से बोलो, किसने आंसर दिया? डरो मत डरो मत, जिसने भी आंसर दिया डरो मत। सी को नहीं, बी को, बी को, आई टेल यू। ठीक है, फंडा क्या है? ये कहानी सेम है, हमको पता है कि भाई बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है किसके ऊपर? ए के ऊपर, कंफर्म है। बी को ए से पैसा लेना था, बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ये आगे भी काम आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। बी ने ए के ऊपर ड्रॉ करना था बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया बट ए को दिया ही नहीं, ए को दिया ही नहीं अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए, उसने दे दिया सी को, एंडोर्स कर दिया, सीधा एंडोर्स कर दिया सी को। इसके पीछे लॉजिक क्या है, सुनना सब लोग, कि भाई सी मुझे ए से पैसे लेने हैं, ठीक है, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ठीक है, तुझे दे दिया, जब तुझे पैसे लेना है ए से एक्सेप्ट करा लेना और पैसा ले लेना। यानी अभी तक एक्सेप्टेंस हुआ क्या? मुझे बताओ, जब तक ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या ए की लाइबिलिटी प्राइमरी आऊंगी? तो फिर सी किसे लेगा? लॉजिक समझा सबको? ठीक है, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया, ये किससे लेंगे? बी से लेंगे। कब तक? एक बार डी चला गया ए के पास, ए ने बोल दिया हाँ ठीक है भाई एक्सेप्ट कर रहा हूं, दो महीना पैसा दूंगा। जैसे ही ए ने एक्सेप्ट कर दिया, अरे हेलो, अब ए की लाइबिलिटी क्या हो गई? प्राइमरी। लॉजिक समझा? उसमें क्या लिखा हुआ था कि ड्रॉअर की लाइबिलिटी, ड्रॉअर मतलब बी, बी की लाइबिलिटी प्राइमरी होंगी जब तक ए एक्सेप्ट नहीं करता। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बस समझा ये पॉइंट, एग्जाम में आईना है आपको ये पॉइंट, समझा क्या? ठीक है, ये सेम चीज मैं आपको नोट्स में भी एक बार लिखवा दूंगा, ओके, क्योंकि मुझे पता कि हाँ बच्चों को आज तुमको समझ गया, कल जाके तुमको समझेंगे नहीं ये वर्ड कहां से आ गया, ओके, तो हम ये लिख लेंगे ये पॉइंट, डन 100%। चलो कमिंग बैक टू आवर कंसेप्ट, सिंपल सिंपल चीजें और पढ़नी है बस, आज का अपना काम खत्म हो जाता है और नया कंसेप्ट मैं शुरू करूंगा नहीं, बिकॉज ब्रेक बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, कंडीशन इस कंडीशन पे कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इस कंडीशन पे कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भाई मुझसे लो, बी सी को दे ही रहा है इसी ये बोल के ना कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, टेंशन मत ले, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं से कर लेना, कंडीशन वो लगा लिया वहां पे, फिर ये बेसिक इट्स मस्ट बी इन राइटिंग, ये वो सब कुछ, स्टैम्प डिलीवर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, इसमें एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। यू नो दिस, बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। लिखो ये पॉइंट लिखो, बीच में कौन आ गया, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करना, इस पे दो तीन बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो अपने नोट्स में तो लिखा है बट मेरे को अलग से आपको लिखवाना है। एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करना, एक्सेप्टेंस के रूल्स लिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ ये आप देख सकते, रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, सिर्फ वही लिखाऊंगा जो काम किया है, बाकी नोट्स सब लिखे हुए।
ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नंबर वन विद इन 48 आवर्स, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विद इन 48 आवर्स, क्या समझा? हाँ, रूल इज बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज डिलीवर कर दिया, अब टाइम लिमिट होता है 48 आवर्स। ठीक है, आपको बता दूं अगर 48 आवर्स के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं किया तो भी हम उसको डिसऑनर मानते हैं। तो डिसऑनर सिर्फ नॉन पेमेंट से नहीं होता, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो भी डिसऑनर होता है। सब लोग समझा के मैंने क्या बोला? डिसऑनर हमको क्या लगता है कि भाई मच्योरिटी के हम सब हम गए, उसने पैसा पे नहीं किया तो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। दिस इज डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी डिसऑनर हो जाता है। और एक्सेप्ट नहीं किया हम मान लेते हैं अगर 48 आवर्स के अंदर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अनलेस स्पेसिफिकली पार्टी ने उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो अलग बात है। ठीक है, अगर ड्रॉयर ने खुद ने बोला ड्रॉई को कि भाई बिल भिजवा दिया है, ड्रॉई बोला अरे यार मैं तो बाहर गया हूँ, गोवा गया हूँ, 4 दिन के बाद वापस आऊंगा। ठीक है, बोला चल कोई गल नहीं, 4 दिन के बाद एक्सेप्ट करना। मैं समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? हेलो, तो अगर पार्टी खुद बोलती है तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि इट इज डिसऑनर्ड। परफेक्ट। तो टाइम लिमिट कितना है बिल ऑफ एक्शन एक्सेप्ट करने का, ये बार बार रिपीट करते आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन राइटिंग। अब यहां इन राइटिंग मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि कई लोग ओरली एक्सेप्ट करते हैं। और याद करो मैंने बचपन में आपको पहली क्लास में पढ़ाया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, कि हमको प्रूव करवाना है इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर उसने ओरली बोल दिया हाँ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो अगेन बात तो वही आ गई ना। हाँ, फिर ये कंसेप्ट नहीं आता था एग्जैक्टली, इसलिए राइटिंग में ही होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये सेम वाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वहां लिखना साइनिंग इज कंपल्सरी, राइटिंग एक्सेप्टेड इज नॉट कंपल्सरी। साइनिंग इज कंपल्सरी, राइटिंग एक्सेप्टेड इज नॉट कंपल्सरी। साइन कंपल्सरी है, तुम एक्सेप्टेड लिखो या ना लिखो। साइनिंग इज कंपल्सरी, राइटिंग एक्सेप्टेड इज नॉट कंपल्सरी। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्लास समझा क्या? साइनिंग कंपल्सरी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, आपने एक्सेप्टेड लिखा और साइन कर दिया। ओके, दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर। इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको समझना है कि भाई तू एक्सेप्टेड लिख या मत लिख, तूने साइन कर दिया तो हम मान ही लेंगे कि तूने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, बट ओरल एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। अच्छा, उसने सिर्फ एक्सेप्टेड लिखा और साइन नहीं किया तो भी नहीं चलेगा। इन शॉर्ट साइनिंग इज कंपल्सरी। ओके, डन। अब लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सब लोग रेडी? सब लोग रेडी? इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे, रेडी सब लोग? चलो, तो हुआ क्या, ए ने गुड्स बेचे 5 लाख के बी को। ठीक है, बी ने बोला पैसा दूंगा 2 महीने के बाद। ओके, तो यहां पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना चाहते हैं। क्लास बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? पक्का ए बनाएगा बी के ऊपर? 100%। आगे बढ़ूं, तो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा बी को 5 लाख का। सब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा कितने का? 5 लाख। बी ने क्या किया? बी भाई साहब ने ये 5 लाख रुपए काट दिए, काट दिए। ठीक है, और 4.9 लाख लिखा और एक्सेप्ट कर दिया, साइन कर दिया। यस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है,
तो याद करो बचपन में मैंने पढ़ाया था तुमको, मैंने ही पढ़ाया था लॉ। हाँ ठीक है, तो एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, पक्का? कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर ऑफर, समझा क्या? ठीक है, तो वही बेसिक को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। भाई मैंने जैसा तुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया ना, वैसे का वैसा तूने एक्सेप्ट करना चाहिए, क्लियर? अगर तूने कोई भी कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। हेलो, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एंड याद रखो, अगर उसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया, अब मुद्दा मैटर ए के ऊपर आ गया। अगर ए को 4.9 लाख भी चलता है तो लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट अगर ए को नहीं चलता तो हम मान लेंगे कि ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। दिस इज द पॉइंट, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस दो टाइप के होते हैं, अनक्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड। जैसा आपने भेजा वैसे का वैसा सेम उसने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल हो गया। बट अगर उसने कोई कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में अब किसके ऊपर आ जाएगा, ड्रॉअर के ऊपर आ जाएगा। अगर उसे चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसे नहीं चलता तो हम क्या मान लेंगे, डिसऑनर। ये पॉइंट लिखो एक्सेप्टेंस में, नेक्स्ट पॉइंट मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं आपको, आगे बहुत जगह आएगा, नोट्स पे भी आएगा, बट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये समझने वाला पार्ट है। लिखो, अगर ड्रॉई ने कोई कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया, अगर ड्रॉई ने कोई कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया, आपने नोट्स पे कंडीशंस के भी एग्जांपल दिए चार पांच, कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया, दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। दैट इज को आई डॉट ई लिखा करो, दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एंड दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ड्रॉअर, दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर के ऑप्शन में आ गया, आइदर ही कैन एक्सेप्ट सच कंडीशन, आइदर ही कैन एक्सेप्ट सच कंडीशन एंड ट्रीट इट वैलिड, ही कैन एक्सेप्ट सच कंडीशन एंड ट्रीट इट वैलिड, या तो भैया एक्सेप्ट कर लो कंडीशन को, उसको वैलिड मान लो, और ही कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। वेरी गुड, और ही कैन ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। तो क्लास हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, इफ यू अंडरस्टैंड, हम हर दिन में दो दो कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स है, आपको बहुत क्लियरली समझ चुका है। बेसिक्स क्लियर हो तो कितने भी आगे कंसेप्ट ऐड होंगे आपके बेसिक्स शॉर्ट होंगे, ठीक है? इसलिए मैं आराम आराम से पूछ पूछ के डिस्कस कर करके चल रहा हूँ आगे, बिकॉज बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम दिन में से दो कंसेप्ट कर रहे हैं अभी, कोई घाई भी नहीं हमको, ठीक है? बहुत सफिशेंटली हो रहा है। बेस्ट पार्ट है कि जो मेरे बाकी क्वेश्चन डिस्कस करने का टाइम है वो आप असाइनमेंट में लिख के वैसे भी हमारा टाइम कम कर देते हो, ठीक है? तो परफेक्ट हो जाता है, इस बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है? तो इट इज बेटर। ओके, सो आज हमारी प्लाज क्लासेस हो चुकी है। ओके, कल मैं आपको, आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा 5 सवा 5 बजे तक, एज ऑलवेज हम 8 बजे फिर से डिस्कस करेंगे इस पे। एंड आज के असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ कुछ उसके एग्जाम वाले क्वेश्चन है, बाबा समझा क्या? और कल मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज दूंगा सॉल्व करने के लिए, इट विल बी हार्डली 10-15, जितने मैं एमसीक्यूज निकाल पाऊंगा इतने से कंसेप्ट में उतने भेजूंगा। बस एक बार हम दोपहर को कभी भी डिस्कस करके एक बार आ जाएंगे, एमसीक्यू डिस्कशन कर लेंगे। ओके, समझ रहा है अभी तक? पक्का?
ठीक है, मोस्ट प्रॉबली मंडे या ट्यूसडे को आपके हाथ में नोट्स आ जाएंगे। इवन जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं नोट्स कैसे भिजवा रहा हूँ, हम डिस्कस कर लेंगे फोन पे। ओके, किसी को